श्री शिवाय नमः। इतने सारे शिव भक्तों के चेहरे पर अगर आज प्रसन्नता है तो वह आपके कारण है, भिलाई के भक्तों के चेहरे। बहुत बहुत साधुवाद है आपका, बहुत बहुत। ये कृपा शिव के बिना, आप और हम कोई भी कर्म करें वो प्रत्येक कर्म हमारा अपना तो है कि हम मेहनत कर रहे हैं, पर उसके साथ प्रभु कृपा भी होती है। मैं भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर महोदय को, भिलाई क्षेत्र के आईजी कमिश्नर, यहाँ के एसपी महोदय, एसएसपी, डीएसपी, एसडीएम, जितने भी टीआई, तहसीलदार और जितने भी प्रशासनिक अमले, चाहे वो चिकित्सा से जुड़े हुए हों, पीडब्ल्यूडीडी से जुड़े हुए हों, ऐसे प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा बल इस पूरी कथा में लगाए हुए हैं। एक बार पूरी प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु, बहुत बहुत साधुता है आपको। एक विश्वास के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ में हम आप और सब शिव की भक्ति कर रहे हैं, शिव स्मरण कर रहे हैं। एक पल हो, एक घड़ी हो, एक क्षण हो, जितना शिव की कृपा आप पर और हम पर हो जाए हम उतना भजन कर लें। हम अपनी कथा में कई बार कहते हैं कि बार बार हार रहे हो, बार बार हार रहे हो और कोशिश करने में पीछे नहीं हट रहे, तो फिर मेरा भोलेनाथ भी साथ देना प्रारंभ कर देता है और एक दिन तुम्हें जीता कर ही मानता है। हारने के बाद यदि व्यक्ति टूट जाए, यदि बार बार मेहनत कर रहा है, बार बार संघर्ष कर रहा है, बार बार परिश्रम कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की तैयारी कर रहा है, आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई कोई एग्जाम दे रहा है और हार गया, अब वो विचार करा कि अब मैं नहीं बन सकता, अब मेरे बस का नहीं, कितनी बेटियां बैठी हैं यहां पर और कितने बेटे बैठे हैं यहां पर, हाथ उठाओ जरा, बेटी और बेटे जितने बैठे हैं खड़े हो जरा, खड़े हो जाओ, मेरे बेटे भी खड़े हो जाएं, बेटियां भी खड़ी हो जाएं। आज मैं सावन के सोमवार के दिन, सावन का दूसरा सोमवार और 72 साल के बाद ये सावन आया, आपसे केवल इतनी प्रतिज्ञा करवाना चाहता हूं कि अपनी मेहनत में कमी मत आने देना और एक दिन तुम्हें बड़े औहदे पर और ऑफिसर बनकर देखना हम भी चाहते हैं। पक्का? दोनों हाथ उठाकर हर हर। इतने नवयुवक बेटा बेटी इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, आपसे केवल इतना चाहता हूं कि अपनी लगन और अपनी मेहनत एक इंच भी, एक अंश भी कम मत होने दें। पक्का? एक अंश अपनी मेहनत कम नहीं होना चाहिए। जितनी मेहनत हम पहले करते थे उससे 4 गुना मेहनत ज्यादा करेंगे और आने वाले समय में कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ कर हम आगे बढ़कर एक ना एक पद अवश्य प्राप्त करेंगे, यह हमारे भीतर का बल। बैठिए, नमन है आपको, बैठिए।
साधुता। एक इंच की कमी नहीं आना चाहिए अपनी मेहनत में, एक अंश की कमी नहीं आना चाहिए अपनी लगन में, अपनी परिश्रम में। कोई तुमसे कह दे कि तुम सीए नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम शिक्षक नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम जज नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, तो वो तुम्हारे लिए चैलेंज है। फिर इतनी मेहनत करना, इतने कॉम्पिटिशन एग्जाम देना, एक बार हार जाओ, दो बार हार जाओ, तीन बार हार जाओ, पर समझ लेना अगर बार बार हार रहे हो मतलब चढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत कम नहीं हो रही, मतलब तुम जीत कर बताओगे, ये निश्चितता तुम्हारे लिए। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न हो। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे नवयुवक बेटा बेटी इस कथा में बैठे हुए। और बहुत भरोसे के साथ शिव महापुराण के सावन के महीने के दूसरे सोमवार पर ये भरोसे के साथ कहता हूं, छत्तीसगढ़ की कथा में जब भी आगे आते रहेंगे, आपके ज्वाइनिंग के लेटर के साथ कई पत्र इधर भी आते रहेंगे, ये पक्का। क्योंकि तुम्हारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा दृढ़ बना। एक अच्छी लगन, एक अच्छी मेहनत व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है। कल एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी जब कोई मरता है ना तो अर्थी लेकर जाते हैं, मतलब हम मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब कोई मरता है तो हम अर्थी लेकर जाते हैं तो मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमने उस बेटे से कहा, नहीं, आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचाते, मुर्दा आपको मंजिल दिखा कर आता है कि यहाँ लास्ट का स्टेज है, यह आखिरी मंजिल। आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं ले जा रहे, मुर्दा आपको मंजिल दिखा रहा है कि अंतिम बिंदु यहां है, आखिरी यहां पर है। बार बार व्यक्ति हार रहा है, बार बार हार रहा है और कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश भी कर रहा है, तो ये पक्का है कि वो जीतेगा, वो विजय प्राप्त होगा। बस मंजिल पे चलते 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 कहीं तुम्हारा मार्ग ना भटक जाए, उसका ध्यान तुम्हें रखना। एक घोड़ा होता है ना, तो घोड़े को दो ऐसे चोकर चोकर उसकी आंख के पास में ऐसे लगा देते हैं। बोलो, देखा तुम लोगों ने? किन देखा? घोड़े को उसकी आंख के पास में ऐसे चोकर चोकर दो पट्टे उसकी आंख के पास में ऐसा लगा देते। कारण क्या होता है कि वो घोड़ा यहां वहां ना देखे, सीधे देखे अपनी मंजिल की ओर, सीधा चले। अगर वो इधर उधर देखेगा, हरी घास यहां मिल गई, हरी दूबा यहां मिल गई, वहां खाने बैठ गया, कहीं मालूम पड़ा कि चना मिल गया, चना खाने बैठ गया, कुछ मिल गया, कुछ खाने बैठ गया, इधर देखा इधर कुछ खाने बैठ गया, आगे गया तो आगे कुछ मिल गया, तो उसने उसकी आंखों पर दो पट्टी बांध दी कि वो सीधा देखे। ये शिव महापुराण की कथा जो है ना, ये भी पट्टी का काम करती है। ये शिव महापुराण की कथा भी पट्टी का काम करती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि ना तुम्हें इधर देखना है, ना तुम्हें उधर देखना है, अपने लक्ष्य पर और अपनी मंजिल पर देखना है, और जहां तुम्हें जाना है वहां तक तुम्हें देखना है। शिव पाने की ललकता है,
भगवान शंकर को अपना बनाने की ललकता है तो वो तुम्हारे अपने बनेंगे। एक मंजिल तक पहुंचने की ललकता है तो वो मंजिल तक पहुंचोगे। केवल तुम्हारा विश्वास जागृत होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास केंद्रित हो गया, जागृत हो गया, तो फिर ये पक्का है कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी मंजिल तक जाने से। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभु मैं तेरी, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावा, भोले मैं तेरी पतंग। शिवपुराण लिखी गई कागज के ऊपर, गीता लिखी गई कागज के ऊपर, रामचरितमानस लिखी गई कागज के ऊपर, श्रीमद् भागवत लिखी गई कागज के ऊपर। क्यों लिखी गई? लिखने के लिए वस्त्र भी मिल जाते, लिखने के लिए और भी सामग्री मिल जाती, पर लिखा कागज पर गई है। क्यों लिखी गई? अखबार भी तो कागज का ही होता है। अरे बोलो तो जम के होता है। न्यूज भी तो अखबार पर लिखी जाती है। बहुत सारे ऑफिस में कार्य होते हैं वो भी कागज पर लिखे जाते हैं, वो भी कागज के ऊपर ही अंकित होते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो कागज पर लिखी जाती है, पत्र भी कागज पर लिखा जाता है, ऑफिस का वर्क भी सारा कागज पर होता है, होमवर्क भी कागज पर होता है, किताबें भी कागज पर होती हैं, और अखबार की जो न्यूज़ की कथाएं हैं, कहानियां हैं, काव्य है, सब अखबार पर लिखे जाते हैं। न्यूज़ भी अखबार पर लिखी जाती है, मैगजीन भी अखबार पर कागज पर लिखी जाती है, और पुराण शास्त्र गीता रामायण ये सब कागज पर लिखे जाते हैं। तो उस कागज में और कागज में अंतर क्या? उस कागज में और इस कागज में अंतर क्या? सबसे बड़ा अंतर है कागज का, कागज एक ही है। अखबार छपने वाला कागज भी एक है, मैगजीन लिखने वाला कागज भी एक है, और किताबें बनने वाला कागज भी एक है, ऑफिस में काम होने वाला कागज भी एक है, और पत्र लिखने वाला कागज भी एक है, और पुराण लिखने वाला कागज भी एक है। केवल अंतर इतना है कि बाकी के जिन चीजों पर लिखा गया वो संसार की चीजें लिखी गईं, और पुराण में जो लिखा गया वो परमात्मा की चीजें लिखी गईं, और जो परमात्मा की एक बार बात लिखा जाती है वो फिर कहीं फेंकी नहीं जाती, उसको संजोकर पूजन के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए रखा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे कागज एक है, बस अंकित क्या हो रहा है वो देखा जाता है, उसी तरह संसार में सब एक जैसे पैदा हुए हो। संसार में माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारा शरीर पूरा है कि आधा है। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम गरीब हो कि अमीर हो। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम देख पाओगे कि नहीं पाओगे, सुन पाओगे कि नहीं पाओगे, चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम था। भगवान जब जन्म देता है एक जैसा देता है, कागज एक जैसा रहता है, बस हमें
ये अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है कि हमें बड़े होते होते बड़े होते होते हमें अपने दिल पर क्या अंकित करना है। हमें संसार की वस्तुओं को अंकित करना है कि परमात्मा की वस्तु को अंकित करना है। हमें किस मंजिल की ओर जाना है, हमें नीचे की ओर जाना है कि आगे की ओर जाना है। हमें किस दुकान पर जाकर बैठना है, हमें किस गुमठी पर जाकर बैठना है, हमें किसकी संगत में बैठना है। हम कहीं खाने पीने वालों की संगत में तो नहीं बैठ गए, हम कहीं मदरा पीने वालों की संगत में तो नहीं बैठ गए, हम कहीं किसी जुआरी की संगत में तो नहीं बैठ गए। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी संगत कैसी है। अंकित हमें करना है। जब भगवान ने पैदा करा तब ये नहीं बताया कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने जब पैदा करा तो ये नहीं बताया कि तेरा शरीर कैसा है। परमात्मा ने तो ये देखा कि तेरा कर्म कैसा है, उस कर्म के हिसाब से तुझे जन्म दे दिया और जन्म देकर तुझे संसार में भेज दिया। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसे बनना। एक पृथ्वी के वीर योद्धाओं में, श्रेष्ठ राजाओं में एक राजा हुए उत्तर भारत के, हर्षवर्धन। उत्तर भारत के जिन्होंने कन्नौज को अपना राज्य बनाया और उत्तर भारत और पूरे भारत में उनका साम्राज्य रहा, हर्षवर्धन बड़े वीर राजा थे, बड़े श्रेष्ठ। केवल एक पंजाब में उनका राज्य नहीं था, बाकी के सब जगह पर उनका राज्य था। एक बार हर्षवर्धन राजा जी से पूछा गया कि आपने प्रत्येक भारत के एक एक राज्य को अपना बना लिया, पंजाब को आपने अपना नहीं बनाया, उसका कारण क्या था? हर्षवर्धन राजा ने जो कहा वो बड़ा श्रेष्ठ कर कहा। हर्षवर्धन राजा ने कहा कि पंजाब की धरा पर गुरु नानक देव जी प्रगटे और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में, अपने लेख में, अपनी गुरुवाणी में एक एक बंदे को, बंदा मतलब एक एक व्यक्ति, ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया। और जब वो ईश्वर से जुड़ चुके हैं तो फिर मुझे अपने राज्य का फैलारा करने की जरूरत नहीं है। भारत की भूमि के ऐसे संत गुरु नानक देव जी, जो महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जाते हैं, नागेश्वर में पहुंचते हैं और ओंडा नागनाथ के मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और अपने साथ में बैठे हुए संतों से कहते हैं कि पुकारो नामदेव जी, अगर तुम्हें मंदिर के लोगों ने पीछे पटक दिया है तो भगवान शंकर को पुकारो, भगवान शिव के प्रति अगर आपकी भक्ति दृढ़ होगी तो यह मंदिर का दरवाजा भी पलट जाए। गुरु नानक देव जी के कहने पर संत नामदेव जी ने भगवान को पुकारा और भगवान देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी थी कि वो नागेश्वर का मंदिर पलट दिया। आज भी अगर महाराष्ट्र में आप दर्शन करने जाएं तो बड़ा सुंदर शिव का मंदिर है ओंडा नागनाथ का। आप लोगों में से कोई गए दर्शन करने के लिए? कोई गए हो तो हाथ उठाओ जरा। गए और बहुत अच्छी बात है। कभी अगर मौका मिले महाराष्ट्र में तो ओंडा नागनाथ जी का मंदिर बड़ा सुंदर। बस यह है कि वो थोड़ा
मंदिर में जो शिवलिंग है वो छोटा सा नीचे की ओर है, तो थोड़ा धीरे से उसको जाना पड़ता है। एक दो लोग जाते हैं, फिर एक दो लोग निकल जाते हैं, तब एक दो लोग अंदर जाते हैं, ऐसा मंदिर का। केवल एक भक्त के लिए, गुरु नानक देव जी के कहने पर, संत नामदेव जी के कहने पर भगवान शंकर ने अपने मंदिर का दरवाजा बदल दिया था। मंदिर का द्वार चेंज कर दिया। तो राजा हर्षवर्धन जी से कहा गया कि आप राज्य करते हो, आप निवास करते हो, राजा हर्षवर्धन केवल अगर भजता था तो शिव को भजता था, उसके सिवा भजता ही नहीं, उसकी चित्तवृत्ति में शंकर के सिवा कोई आता ही नहीं। वो कहते हैं ना, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, शिव के सिवा उसको कोई भाता ही नहीं है। राजा हर्षवर्धन शंकर की भक्ति में ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, ऐसे रम गए कि सुबह से शाम तक अपना राज्य संभालना और शंकर की भक्ति धारण करना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, स्मरण करते रहना, स्मरण करते। हमने इस पवित्र शुमहा पुराण की कथा में सावन के महीने में आप और हमने सबने सुना, दूसरे दिन की कथा में कहा था कि सावन का महीना चल रहा है, अपने घर में अगर कोई भी आए या आप किसी से मिले, तो हमने दूसरे दिन की कथा में आप और हमने सुना था कि प्रयास करो, सावन के महीना चल रहा है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण का पवित्र महीना हमारे बीच में है, 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जो सोमवार से सोमवार तक चलेगा। ऐसे सावन के महीने में या तो तुम्हारे घर में जो आए तो उससे शिव की बात करो, शंकर की बात करो, शिव महापुराण की बात करो, शंकर की कथा की बात करो, शिव तत्व की बात करो, पशुपति व्रत की बात करो, शंकर की लीला की बात करो, और अगर शिव की बात नहीं कर सकते तो इस सावन के महीने में शिव से बात करो, बस इतना अपने अंदर धारण करो। या तो शिव की बात करो या जम के बोलो जरा, शिव से बात। दो ऑप्शन हैं बस, इसमें से एक पकड़ लो, या तो हमें शिव की बात करना है और हम शिव की बात नहीं कर सकते तो शिव से बात करो। हम लौकिक बात क्यों करें, हम सांसारिक बात क्यों करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर कथा में बैठे बैठे इसकी निंदा कर दो, उसकी निंदा कर दो, मालूम पड़े शिव पुराण तो कम सुना पाए, भागवत तो कम सुना पाए, रामायण तो कम सुना पाए, गीता ज्ञान तो कम दे पाए, मालूम पड़ा निंदा 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 में पूरा समय निकल गया। ना, हमें किसी की निंदा ना करते हुए हमें तो केवल भगवान की, या तो शिव की बात करो या शिव से बात करो, सावन में बस इतनी करो। आज सावन का दूसरा सोमवार है, 5 सोमवार का आपको स्मरण मालूम होगा। सावन के कई बार 4 सोमवार पड़ जाते हैं, कई बार 5 सोमवार पड़ जाते हैं। 5 सोमवार का आप लोगों ने तो सुन रखा होगा ना, 5 सोमवार की महिमा क्या है, सावन के महीने के 5 सोमवार की महिमा क्या होती है। तो कहा अगर 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य, एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त तो हो जाता है। शिव पंचायत, श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, मां दुर्गा, मां भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा पहले बाची आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था, 5 देव। शंकर भगवान, स्वयं पंचदेवों में प्रथमता प्राप्त कर बैठते, मां दुर्गा, भगवान नारायण, शिव पंचायत में भगवान भास्कर देव, और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश।
बन जाओ। अब प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये पांचों सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। पांचों सोमवार, एक एक सोमवार की महत्वता है, एक एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है, जैसे तुम शिव को मना सकते हो। जैसे यहां भगवान शंकर को ही जा सकते, हर्षवर्धन भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था, शंकर के सिवा कोई भाता ही नहीं था उसको, शिव शिव है। एक एक माहिल्याबाई होलकर और दूसरे हर्षवर्धन, तीसरे वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ऐसे भारत के कई राजा, भारत की कई रानी, भारत की भूमि के कई महाराजा, जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपना अखंड राज्य करा और संसार को दिया है, वो शंकर को अपना लक्ष्य बनाकर चलते थे। जैसे माहिल्याबाई होलकर, माहिल्याबाई होलकर जब भी अपना पत्र लिखती थी, उस पत्र में कभी नहीं लिखती थी कि अहिल्याबाई का आदेश, कभी नहीं लिखा कि माहिल्या का या राजमाता अहिल्या का आदेश। जब भी पत्र माहिल्याबाई लिखती थी तो उसमें लिखती थी शिव का आदेश, महादेव का आदेश। अपने पत्र में कभी नहीं लिखा उसने माता, कभी नहीं लिखा उन्होंने कि मेरा आदेश, उन्होंने कभी नहीं लिखा माहिल्याबाई ने कि मेरा आदेश है, उन्होंने तो लिखा महादेव का आदेश है, उन्होंने लिखा कि शिव का आदेश है, उन्होंने लिखा शंकर का आदेश है, मेरा आदेश नहीं, ये मेरा आदेश नहीं है, ये शिव का आदेश। और मतलब शिव का आदेश है तो पूरा कौन करेगा, शिव ही करेगा। आप लोग इतने सारी मात्रा में कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, जहां तहां जगह मिली होगी नहीं मिली होगी, गीले में सूखे में कहीं कहीं बैठे हो, अपना व्यवस्था खुद कर कर कथा सुनने के लिए आप लोग आए हो, तो तुम्हें, तुम ये ना सोचिएगा कि आपको कथा सुनने के लिए किसी ने बुलाया है, आपके घर में कोई पीला चावल देने गया, आपके घर कोई निमंत्रण देने गया, आपके घर में कोई अनाउंसमेंट करने गया। आपने तो केवल टीवी के माध्यम से सुन लिया, आपने तो केवल विश्वास के माध्यम से, किसी के माध्यम से सुन लिया, मोबाइल के माध्यम से सुन लिया कि कथा हो रही है, और आपके दिल में एक भरोसा जागृत हो गया, मतलब आपके हृदय में शंकर आकर बैठ गया। और कथा आप सुनने नहीं आए हो, कथा आपके अंदर बैठा हुआ शंकर कथा सुनने के लिए आएगा। ये आदेश उसका है, अपना नहीं। और शंभु शरणे मातु घड़ी रे भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी, सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तिहारी। भोले
नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तिहार, आया आया मैं शरण तिहार। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा भोलेनाथ है तेरा। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा भोलेनाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी। आया आया शरण हूँ तिहारी, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया शरण आया आया शरण। हर्षवर्धन लगा शिव की भक्ति, एक विश्वास एक के प्रति कर लो वो आपको निहाल कर दे। एक एक पत्र देख, मैं नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह जामुल पता रीवा पपरा से हूं। कहीं बैठे हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आइए बेलपत्र ले जाओ। जाए नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह जामुन स्थाई पता रीवा पंपरा से हूं। मेरे पुत्र अर्नव की तबीयत 19 दिसंबर 2022 को अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों की जांच कराने पर पता पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर की बीमारी बताई। जब ब्लड कैंसर की बीमारी उसके साथ में बताई, साथ में एक बीमारी और बता दी जिसका नाम था CSF, एक LL ब्लड कैंसर और दूसरा CSF। दूसरी बीमारी भी बता दी, एक तो बेटा 8 साल के बाद हुआ था गुरुजी, बच्चा एक तो 8 साल के बाद हुआ और 8 साल के बाद बच्चा होने के बाद उसके साथ में इतनी सारी बीमारी हो गई कि दिल दुख गया, पूरा परिवार दुखी हो गया, सब रोने लगे गुरुदेव। तब मेरी दीदी कथा सुनती हैं और उन्होंने कथा सुनते सुनते हमको कहा कि कोई टेंशन मत ले, बता दी बीमारी कोई बात नहीं, प्रदोष का व्रत कर, सियोर वाला महाराज कथा कहता है उसको सुनना प्रारंभ कर और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा और उस जल को लाकर तेरे बेटे को पिलाना प्रारंभ कर। कहा डॉक्टर के हिसाब से तो मेरा बेटा बचने का नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि मुश्किल है, और तू कह रही है कि अब कथा में मन लगाऊं तो ऐसी बीमारी होने के बाद कौन मां का दिल कथा में लगता है, तू तो लग। गुरुदेव पिताजी को सीहोर भेजा रुद्राक्ष लेकर आने के लिए और पिताजी सीहोर गए। पिताजी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेने भेजा और रोज
कलश में रुद्राक्ष डालकर वो जल शिवजी को चढ़ाते। और फिर मेरी जीजी ने कहा कि अप्रैल के महीने में 2023 में भिलाई में कथा हो रही है, तू वहीं पर है, अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठकर कथा सुन। बीमारी हुई थी 2022 में 19 दिसंबर को, अप्रैल के महीने तक भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ था, 2023 की मैंने कथा सुनी इसी जगह पर जहां आप कथा बाच रहे। और 2023 की जब कथा सुनी पंडाल में बैठकर, पंडाल में जैसे आज बैठी हूं वैसे अपने बच्चे को लेकर बैठी और रोज बाबा को प्रणाम करती, वहां की मिट्टी उसके शरीर पर लगाकर बाबा से कहती, बाबा आपकी कथा सुनी है, मेरे बेटे को ठीक कर देना, मेरे घर से पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचूंगी अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज 2024 चल रहा है, डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय दिया था पर मेरा बेटा एकदम स्वस्थ हो गया, इसलिए मैं पैदल चलकर यहां कथा के पंडाल में आया। यहां पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंची हूं, अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को कोई खतरा नहीं और इसका कैंसर का रोग भी समाप्ति पर है। यह शिव तत्व है, यह ओघड़ी। आप किसका भरोसा कर रहे हैं? आप किस विश्वास की ओर जा रहे हैं? पहले तो आप ये पक्का कर लो कि आप संसार वालों पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शिव पर भरोसा कर रहे हो। आप सियोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शंकर पर भरोसा कर रहे हो। सियोर वाले महाराज का तो क्या है, मनुष्य देह है, मानव का शरीर है, मानव के शरीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मानव शरीर पर क्या भरोसा कर, मनुष्य शरीर पर क्या भरोसा करना, किसी इंसान पर भरोसा मत करो। फिर निवेदन है कि इंसान पर भरोसा करोगे तो टूट जाएगा, ईश्वर पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। उस ईश्वर पर भरोसा, उस भगवान पर भरोसा करो। हम इंसान पर क्यों भरोसा करते हैं, क्यों, किस लिए? आजा। आप ईश्वर पर भरोसा करिए, इंसान पर भरोसा करने की जरूरत। ठीक है बेटा, बोल रही हैं आप बिल्कुल ठीक हो गया, स्कूल जाने लगा, शिव की कृपा है। इसी बेटे को शिव तत्व है, शंभू ओघड़ी, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। इंसान पर करा गया विश्वास, इंसान पर करा गया भरोसा टूट गया, पर ईश्वर पर करा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी। एक देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि अहिल्याबाई होलकर जब युद्ध लड़ने के लिए चारों तरफ से सेनाएं तैयार होकर घेर लेती थी, तब अहिल्याबाई होलकर अपने हाथ में, आपने अहिल्याबाई माता का फोटो देखा होगा, मूर्ति देखी, उनके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था, वो युद्ध के मैदान में भी अपना शिवलिंग लेकर जाती थी। वो घर से निकलती तो अपने शंकर के शिवलिंग को साथ लेकर जाती। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपना शिवलिंग साथ लेकर जाओ, हम इतना जरूर कहेंगे कि आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर को जल चढ़ाकर वो जल जब पियोगे वो तुम्हारे पेट में
24 घंटा रहता है वो तुम्हारे साथ शिव के रूप में जाए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप शिवलिंग लेकर साथ चलो। आपके गले में जो रुद्राक्ष की माला पड़ी है, आपके गले में जो रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, वो रुद्राक्ष आपके गले में शंकर का एक तत्व है, शिव तत्व है। आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर के चढ़े हुए जल को यदि अपने ऊपर छीट भी लेते हो तो उसका भी फल है हमारे, उसका भी। एक महाराष्ट्र की एक माता जी ने प्रश्न किया सीहोर ऑफिस में व्हाट्सएप पे कि गुरुजी से एक बात पूछना कि हमारे महाराष्ट्र में तो सावन अभी चालू होगा, अभी हमारे महाराष्ट्र में सावन चालू नहीं हुआ, क्योंकि वो 15 दिन बाद चालू होता है महाराष्ट्र में सावन। अब हमारे महाराष्ट्र में सावन जब 15 दिन बाद चालू होगा तो हम शिवरात्रि की पूजन कैसे करेंगे, फिर हम शिवरात्रि कैसे करेंगे? तो हमारा निवेदन है संपूर्ण मराठियों से, संपूर्ण महाराष्ट्र में निवास करने वालों से, और जिन जिन के अभी सावन अभी चालू नहीं हुआ उनसे भी निवेदन है, अगर 2 अगस्त को पूजन कर भी लोगे ना तो कुछ घटेगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं घटेगा ना, वो तो शिव की आराधना है, शंकर की पूजन है। आप तो ये मानकर चलो ना कि हम शिव को भज रहे हैं, और शंकर को भजने के लिए कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई दिन, कोई पल, कोई घड़ी नहीं। शंकर को पाने के लिए तो बस तुम दिल से जिस दिन पुकारोगे शंकर तुम्हारे सामने हो। शिव को दिल से पुकार लो, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सावन के महीने में हमारे वो परदादा जी चले गए तो सावन तो हमारे यहाँ खोट हो गई, तो हम भगवान का भजन करेंगे कि नहीं करेंगे, पूजन करेंगे कि नहीं करेंगे, शिव स्तुति करेंगे कि नहीं करेंगे, शंकर का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। हमारा निवेदन है सावन में गए तो सावन में तुम खाते हो कि नहीं खाते हो, सावन में गए तो तुम कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो, सावन में गए तो तुम सावन के महीने में कहीं होटल में या कहीं कहीं जाते हो कि नहीं जाते हो, सावन के महीने में तुम घूमने जाते हो कि नहीं जाते, सावन के महीने में तुम मेहमानों के यहाँ घर पर जाते हो कि नहीं जाते हो, सावन के महीने में तुम सारी दुनिया का काम करते हो बस केवल भगवान से तुम्हारा बेर हो जाता कि वो चले गए तो हमें भगवान शंकर के पूजन करूं कि नहीं करूं, मंदिर जाऊं कि नहीं, भगवान भजन करूं कर। और कितने साल हो गए कि हमारे दादाजी को गए हुए 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पर हमने भगवान का मंदिर छोड़ दिया, हमने खाना नहीं छोड़ा, हमने पीना नहीं छोड़ा, हमने घूमना नहीं छोड़ा, हमने कपड़े पहनना नहीं छोड़ा, बस मंदिर छोड़ा। ए भाई, दुनिया के कई लोग कहते हैं धर्म करते कर्म फूटे, कई लोग कहते हैं हंसी मजाक में कह देते हैं यज्ञ कर रहे थे हाथ जल गया, मंदिर गए थे ठोकर खा के नीचे गिर गए, मंदिर की सीढ़ी पे पांव फिसल गया नीचे गिर गए। तो दुनिया के लोग क्या कहते थे, धर्म करते कर्म फूटे। केदारनाथ जी दर्शन करने गए थे कहीं कुछ हो गया, मालूम पड़े कहीं गए थे कुछ हो गया, तो क्या लोग लिखते हैं, धर्म करते कर्म फूटे। अरे भाई, धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। याद रखना, जब एक व्यक्ति मटका लेने के लिए जाता है, मटके को जब लेने के लिए जाता है तो उस मटके को बजा बजा कर देखता है, बजा बजा कर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि अगर यह मटका फूटा होगा तो अभी की अभी फूट जाएगा, इसलिए इसको बजा कर देखा जाता है, और अच्छा होगा तो मैं इसको लेकर चले जाऊंगा। जब धर्म करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, भजन करते हो, शिव मंदिर जाते हो, अनुष्ठान करते हो, भगवान का नाम लेते हो, और तुम्हारे ऊपर अगर थोड़ा बहुत दुख आ जाता है तो समझ लेना मेरा बाबा तुम्हें बजा कर देख रहा है, कहीं ये फूटा तो नहीं है। धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। भगवान तुम्हारे पूर्व के बेकार कर्म को फोड़ता है धर्म करते। थोड़ी समस्या आ गई, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी परेशानी आ गई, थोड़ा कष्ट आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, समझ लेना कि धर्म करते कर्म नहीं फूट रहा है। धर्म करते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म जो हमारे ऊपर हावी रहता है भगवान उसको तोड़ता है, उसको काटता है, इसलिए थोड़ा कष्ट आ जाता है। एक पत्र
मैं पूनम मौर्या, पति जितेंद्र मौर्या, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं पूनम मौर्या, पति जितेंद्र मौर्या, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। हाथ हिलाओ एक बार। आई हैं क्या? आई हैं? हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेकर आई हो? आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। मैं पूनम मौर्या, पति राजेंद्र मौर्या, पाटन भिलाई की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 10 वर्ष बीत चुके थे, कोई संतान नहीं थी। तब मेरी माँ ने आपके बारे में बताया और बताए हुए उपाय को बताया। बेटी, पशुपतिनाथ का व्रत कर। सियोर वाले गुरुजी कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तब मैंने पशुपति व्रत किया 2 बार, लेकिन फल नहीं मिला। मैंने 2 बार पशुपति व्रत करा पर मेरे को फल नहीं मिला। फिर तीज का व्रत आया, तब मेरी माँ ने टीवी में आपके द्वारा फुलहरे का वर्णन सुना। आप कहते हो कि हरतालिका तीज के दिन जिस मंदिर में फुलेरा नहीं बंधा हो उस मंदिर में जरूर फुलेरा बांधो, मन की कामना पूरी होती है। 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो, मन की कामना पूरी होती है। मैंने 5 फुलेरे का भी दर्शन करा, 1 मंदिर में फुलेरा भी बांधा। तब मेरे बाबा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। तब मेरा 10 साल के बाद 9 मार्च 2023 को मेरा गर्भ ठहर गया। 9 मार्च 2023 को मेरा गर्भ ठहरा, लेकिन 3 महीने पर मुझे ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में एक बड़ी गठान हो गई है। वो बड़ी गठान होने के कारणवश तुम्हारी ये तकलीफ हो रही है, बच्चे को ना रखिए। तब मेरी माँ सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और मुझे दिया, जिसे रोज तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को गलाती, बाबा को चढ़ाती और उसी जल को पी लेती। फिर गुरुजी, हमारे घर 17 नवंबर 2023 को भोलेनाथ की कृपा से बेटे ने जन्म ले लिया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर 17 नवंबर 2023 को बेटा तो हो गया गुरुदेव, 10 साल के बाद मुझे औलाद तो मामा ने दे दी गुरुदेव, पर वो बच्चा ना तो देखता था ना सुनता था, आंखों से भी अंधा था और कान से भी बहरा था। ताली बजाते बच्चा नहीं देखता, आंखों से उसे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए हम उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया, ये बच्चा जिंदगी भर ना सुन सकता है ना देख सकता है। इतना दिल दुखा कि मेरे महादेव ने तो 10 साल बाद मुझे औलाद दी और वो भी अंधी और बहरी दी। तब आपने अपनी कथा में एक दिन कहा, एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाओ, जो एकांत में शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाओ, 1 दुर्वा चढ़ाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाओ, वहां की भूमि की रज को साफ कर कर आओ। हम अपने बच्चे को लेकर एकांतेश्वर मंदिर जाने लगे। डॉक्टर ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बच्चा अंधा रहेगा और बहरा रहेगा जिंदगी भर। हमने शंकर का पीछा नहीं छोड़ा गुरुजी, और बच्चे को लेकर एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाना चालू कर दिया। जो मंदिर एकांत में मिलता था वहीं बैठ जाते, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटे की आंखों पर और कानों पर लगा देते, बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, बच्चे की आंख पर हाथ फेरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टरों की रिपोर्ट भी पूरी नेगेटिव हो गई और मेरा बच्चा देखना भी चालू हो गया और सुनना भी चालू। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी करे शरण आपो। शंभु शंभु दुख का
अब देखता भी है, सुनता भी है, और दीदी कह रही है डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये कभी देखेगा नहीं और सुनेगा नहीं। जब हम उसी डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये देखना सुनना कैसे चालू कर दिया। शिव तत्व है। 10 साल बाद उसने दिया, किसकी सामर्थ्यता। 10 वर्ष के बाद वो देने वाला है, और जब 10 वर्ष के बाद उसने दिया है फिर निवेदन है। शरीर उसका है, दिल उसका है, मन उसका है, चित्त उसका है, परिवार उसका है, घर उसका है, दुकान नौकरी सब उसकी है। हम तो केवल उसके आश्रित होकर जी रहे हैं और दिन रात जय महाकाल कह रहे हैं। हम उसके आश्रित होकर जी रहे हैं और दिन रात जय महाकाल कह रहे हैं। हमारा है क्या? उसके आश्रित रहना है। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम क्यों ना उसके आश्रित हो। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इंसान पर भरोसा करते हैं। अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, नारियल देंगे काम हो जाएगा, भभूति देंगे काम हो जाएगा, बेल देंगे काम हो जाएगा, दाना देंगे काम हो जाएगा, सिर पे हाथ रख देंगे काम हो जाएगा। ना ना ना, हम गलती करते हैं कि इंसान पर भरोसा करते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती आज तक करी है, पूरी जिंदगी में यही गलती करते हैं। कभी इस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं। हम शिव पर भरोसा क्यों नहीं करते, हम ईश्वर पर भरोसा क्यों नहीं करते। हम उस परमात्मा के भरोसे क्यों नहीं रहते। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम, और जैसे छत्रपति शिवाजी से पूछा गया था, छत्रपति शिवाजी आप किस पे भरोसा करते हो, छत्रपति शिवाजी कहते हैं मैं अपने देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करता हूं, शिव पर भरोसा। जब युद्ध लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी तो एक ही नारा लगता था, हार हार महा। एक शब्द निकलता था युद्ध के मैदान में, हर हर महादेव। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया कि युद्ध के मैदान में लड़ने जा रहे हैं तो शिव का नाम लेकर। माहिल्याबाई ने शिव का आदेश
ये शब्द लिखा है अपने पत्रों में, शिव आदेश। यहां इंसान का आदेश नहीं चलता, शिव का आदेश चलता। हम इंसान को भगवान बनाने का प्रयास करते हैं, हम भगवान को भगवान नहीं बनने देते। हम भगवान को तो बहुत नीचे लाकर छोड़ देते हैं और इंसान को भगवान बना देते हैं। अरे उनके अंदर ये, वो इतना चंदन लगा लिए, वो उनने बाल बढ़ा लिए, उनने दाढ़ी बढ़ा ली, उनने ये कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने इतनी कंठी पहन ली, उनने इतनी माला पहन ली और हमने उनको भगवान बना दिया। ना ना ना, इंसान को भगवान मत बनाइए, इंसान को इंसान रहने दो और भोलेनाथ को भोलेनाथ रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम क्यों भटके? हम पहचानते नहीं है देवाधिदेव महादेव को। जिस दिन दुनिया की ठोकर खा लो उस दिन शंकर की शरण जरूर चले जाना, एक बार शिव के पास जरूर जाकर बैठना कि शिव है क्या, एक बार शंकर के पास जाकर बैठना कि शिव तत्व है क्या। हर्षवर्धन शिव की भक्ति में डूबा करते थे, एक क्षण भी शिव बिना नहीं रहते थे। युद्ध भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, सब कुछ कर्म करना पड़ेगा, कर्म तो करो। बीमारी आई है ना तो दवाई तो खाना पड़ेगी, इसमें दुनिया का कोई महाराज ठीक नहीं कर सकता, दवाई खाना पड़ेगी। और शंकर पर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो और शंकर पर भरोसा कर रहे हो और शिव नाम पर भरोसा कर रहे हो तो वो दवाई असर करेगी, और असर करेगी तो तुम उस बीमारी से जरूर छूट जाओगे, उस बीमारी से दूर हो जाओगे। अरे दुनिया का कोई महाराज ऐसा बता दो जिसको तकलीफ हुई हो, बीमारी आई हो और वो ऐसे ही ठीक हो गया? ना, दवाई तो लेना पड़ेगी, पर उस दवाई में भी विश्वास की जरूरत है। जिस डॉक्टर ने दवाई दी है ये मान कर लेना कि वो शंकर का एक रूप है और ये मुझे ठीक कर सकता है। दवाई लेते समय तुम्हारे भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले रही हूँ, मैं एक दिन ठीक होकर मानूंगी, ये पक्का है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ये विश्वास है हमारा। बोलबम का नारा है। हम शंकर के दरवाजे पर क्यों जाते हैं? हम कांवड़ चढ़ाने क्यों जाते हैं? हम शिवजी पर कांवड़ का जल चढ़ाने क्यों जाते हैं? अभी अभी सीहोर में देख लो, महाकाल में देख लो, बाबा वेदनाथ जी में देख लो, बाबा धाम में देख लो, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के कई शिव मंदिरों में देख लेना, हरिद्वार देख लो, नीलकंठ देख लो, चाहे काशी देख लो, सारी दुनिया में कांवड़ चढ़ रही है। सीहोर जाओ तभी पूरे महीने बाबा की कावड़ चढ़ती है सीहोर में। सीवन नदी का लोग जल भरते हैं और माँ सीवन का जल भरकर कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ लेकर जाते हैं। लोग स्टेशन पर जैसे ही उतरते से ही पहले कुबेरेश्वर धाम नहीं जाते, सीधे सीवन नदी के तट पर जाते हैं, नदी चुरा, वहां से जल भरेंगे सीवन नदी का और वहां से पैदल चल देंगे बेग टांग टांग के कावड़ लेकर। किसी इंसान के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास, किसी महाराज के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर एक विश्वास को लेकर वो शंकर के पास जा रहा है। जब कावड़ का जल लेकर डंडा पकड़कर बांस पकड़कर जब शिव के पास जाते हैं तो शंकर भी कहते हैं इसने मेरी कावड़ को पकड़ा है तो मैं भी तेरे हाथ को पकड़कर रखूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। चले जा रहे हैं बोलबम 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 बोलते बोलते। चले जा रहे हैं शिव का नाम लेते चले जा रहे हैं। और शंभु शरण चले जा रहे भगवान का नाम लेते लेते सीहोर की पवित्र धरा पर, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर चले जा रहे। चले श
शिव का नाम लेते लेते स्मरण करते करते चले। ये बल्लभ का असर है। दो तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं, एक बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह, एकदम कथा सुनी और खटका दबा, खटका दब तैसे ही वो शंकर का हो गया और शंकर उसके हो गया, एकदम खटका दब और शिव का हो गया, लाइट की तरह खटका बंद बंद एकदम शिव का हो गया। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है, उसको कितना ही समझा लो शंकर के मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा, जाएगा धीरे धीरे, एक बार दो बार तीन बार चार बार ऐसा घूमेगा, मतलब धीरे धीरे वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे पंखा बंद होता है, मतलब धीरे धीरे मंदिर जाना चालू करते। कोई कोई लाइट की तरह है, कोई कोई पंखे की तरह, खटके सबके हैं। कोई जल्दी जाता है शिव की ओर, कोई लेट जाता है। पर शिव पुराण कहती है लाइट भी कह रही हमारी कथा की है तो हम तो मचकेंगे। काय दया सिंह जी, काय आज डीजे की लाइट तो ना लगा दी है इसमें है? शिव कृपा है, बहुत बहुत आनंद है। हर हर। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेट जरूर बनता है। थोड़ा लेट हो सकता है, पंखा धीरे 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 थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा शिव मिलेगा जब। परीक्षा लेता है मेरा उघड़दानी, राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ले ली मेरे शंकर ने, राजा हर्षवर्धन। और राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ली जब मेरे शंकर ने, एक ब्राह्मण का रूप लेकर हर्षवर्धन के सामने आ गए। राजन तू शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शिव की पूजन करता है, तो शंकर जैसा बनो ना। अगर तुम शिव के भक्त हो तो शंकर जैसे बनो। संसार के लोगों की कथा में और शिव महापुराण में बस यही अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान नहीं बनना है। एलईडी बंद हो गई है क्या? एलईडी बंद हुई है क्या? आवाज एलईडी बंद हुई है, आ रही होगी अभी, अभी ये लाइट मचकी थी ना, ऐसी ऐसी हुई थी, उसी में गई है, अभी थोड़ी देर में आएगी। कल एलईडी की भी कथा लेके आएंगे अपन, प्रयास करेंगे तो चालू हो जाए। थोड़ा समय लगता है पर मिलता जी, ओगरदानी जरूर आ। अब शिव कथा कह रही है, परीक्षा लेने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आ गए, मेरे शंकर मेरे ओघड़दानी आ गए, एक ब्राह्मण का रूप रखकर। बहुत परीक्षा लेता है शिव, बहुत
जैसे जैसे शिव के नजदीक आते चले जाओगे वैसे वैसे शिव परीक्षा लेना प्रारंभ कर देगा आपकी, बहुत परीक्षा लेता। एक पत्र है, वंदना मोहाड़, पति दशरथ मोहाड़, पता कुर्सी पार्क वार्ड 50 भिलाई, मोबाइल नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। वंदना मोहाड़ दशरथ मोहाड़ कुर्सी पार्क वार्ड नंबर 50 भिलाई, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं आ जाओ, एक बिल पत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। गुरुजी, मेरे भाई की तबीयत अचानक से खराब हो गई, हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां वेंटिलेटर पर रख दिया, फिर थोड़ा सा ठीक हुए तो उन्हें वेंटिलेटर पर से हटाया, सोनोग्राफी के लिए लेकर गए, सोनोग्राफी करने पर और बहुत सारी जांचें करने पर पता चला कि उनको कैंसर हो गया, और कैंसर हो गया हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि अच्छे खासे शरीर ठीक था, सब बढ़िया था, फिर ये कैंसर कैसे हो गया। हम दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर भी सोनोग्राफी करवाई, जांचें करवाई, तो मालूम पड़ा कि उनकी रिपोर्ट में कैंसर आया। हम लोग बहुत घबरा गए, डॉक्टर ने कहा कि इनको जो कैंसर हुआ है वो कैंसर ऐसा हुआ है कि पूरे शरीर में फैल चुका, ये केवल 2 या 3 महीने के मेहमान हैं, ये 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे, 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे, डॉक्टर ने कह दिया। हम लोग सुनकर घबरा गए, अब करें तो करें क्या। तब मेरी सहेली ने कहा कि तुम एक काम करो, उनके घर के लोगों को बोलो कि वो पशुपतिनाथ का व्रत करें, शिवजी के मंदिर में चढ़ा हुआ पिलाएं, सीहोर जाकर एक रुद्राक्ष लेकर आते हैं और सीहोर जाकर रुद्राक्ष मंगवाओ, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर उसको पिलाना चालू करो। हम जनवरी के महीने में सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, एक कंकर उठा कर ले आए जिसकी पूजन करने लगे, तांबे के कलश में उसको गलाते, शिव जी को चढ़ाते, शंकर पे चढ़ा हुआ जल हमारे भाई को देते, एक बेलपत्री शिव जी की चढ़ी हुई उनको लाकर देते, दवाइयां भी चलती रही और जल भी चलता रहा, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरे भाई की डॉक्टरों ने जो कह दिया था कि 2 से 3 महीने के मेहमान हैं, आज मेरा भाई अच्छे हैं और उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई और उनका कैंसर ठीक हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। वंदना मोहाड़ पति दशरथ मोहाड़ कुर्सी पार वार्ड नंबर 50 भिलाई, मोबाइल नंबर ही है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर जागृत होती है, ये जितने रोग हैं, ये बीमारी हैं, जितना दुख है, जितना तकलीफ है, इसमें जब हमारे भीतर विश्वास जागृत हो जाता है तो रोग अपने आप धीरे धीरे कटने लगता है। अजय रोग धीरे धीरे कटने लगता है, जब हमारा विश्वास जागृत होगा तो रोग अपने आप कटेगा। एक विश्वास हमारे भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हमारे भीतर जब जागृत होता है, और विश्वास और भरोसे के साथ जब हम चलते हैं तो शिव हमारे शब्द को, शिव हमारे हृदय की बात को, शिव हमारी वाणी को अवश्य श्रवण करते। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो,
दया करीन दर्शन आतो। एक विश्वास के साथ हम शिव के पास। राजा हर्षवर्धन की परीक्षा प्रारंभ। शिव जी ने परीक्षा ली, ब्राह्मण का वेश रख लिया, मेरे भोलेनाथ ने। राजा हर्षवर्धन के पास में पहुंचे। आप शिव बनिए ना। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव कभी मत बनो, भगवान कभी मत बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के चरणों का कोई दास हो, उस दास का भी कोई दास हो, उस दास का भी अगर कोई दास हो तो उसके चरणों की धूल बन जाओ, पर भगवान बनने का प्रयास मत करो। दास के दास बन जाओ। वो कहते हैं ना, अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा, अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा, हो सिर पर हाथ भोले का, हो सिर पर हाथ भोले का, फिर रंग जैसा गढ़ेगा, हो सिर पर हाथ भोले का, फिर भोले संभालेगा, अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा, अगर खुद लंका जलाने तो पीछे बात करते हैं, अगर लंका जलाने तो पीछे बात करते हैं, कर्म से कद बड़ा इतना जमाना छोड़ न पाएगा, अगर खुद पर भरोसा गे जमाना क्या बिगाड़ेगा, अगर खुद पर भरोसा गे जमाना क्या बिगाड़ेगा, अगर खुद पर भरोसा गे जमाना क्या बिगाड़ेगा, हो सिर पर हाथ भोले का तो भोले ही सवारेगा, हो सिर पर हाथ भोले का तो भोले ही सवारेगा। हम उसके आश्रित हो। राजा हर्षवर्धन ने ये विचार कर लिया। राजा हर्षवर्धन ने विचार करा, सामने ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने कहा आप शिव क्यों नहीं बनते, आप शंकर क्यों नहीं बनते। राजा हर्षवर्धन ने कितनी सुंदर बात कही। राजा हर्षवर्धन कहते हैं मैं शंकर कभी नहीं बन सकता, मैं शिव कभी नहीं बन सकता, मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शंकर बन जाऊं। ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं शिव बन जाऊं। कितने सारे लोग देखो, किसी के शरीर में देवी आ सकती है हम मानते हैं, किसी के शरीर में देवता आ सकते हैं हम मानते हैं, पर किसी के शरीर में शंकर जी आ जाए हम बिल्कुल नहीं मानते। देवी देवता देवी जी रहती है ऊपर, नारायण रहते हैं ऊपर, भगवान रहते हैं ऊपर, ये सब जो जो गए वो आ सकते हैं, पर जो पृथ्वी से गया ही नहीं तो आएगा कैसे।
वो कहते ना, एक पति की पत्नी मर गई, 22 साल हो गए उसको मरे हुए, कितने साल, 22। और पति जब भी वोट डालने जाता था तो बड़ा खुश होकर जाता था, क्योंकि पत्नी को मरे 22 साल हो गए थे, पर एक दिन जिंदा हो जाती थी वोट डालने के दिन। वो वोट डालने के लिए जाता था, तो वोट डालने के लिए अपने जब काउंटर पर जाता था तो उनसे पूछता था, क्यों तुम्हारी काकी आई थी वोट डालने, के नाम बोलो, के कमला, उम्र बोलो, ये, हाँ अभी 20 मिनट पहले तो वोट डाल के गई। अब वो चिंता में पड़ जाता था कि 22 साल पहले मैंने जिसका अंतिम संस्कार कर दिया वो आज तक वोट डालने आ रही है, आज तक आ रही, पर आमना सामना नहीं हुआ कि वो जिंदा है कि चली, आज तक समझ में नहीं आया कि वो कहां गई। उसका कारण केवल इतना सा है कि गलत फायदा उठाने वाले, गलत तरह से वोट डलवाने वाले, गलत फायदा उठाने वाले उसको आज तक जीवित कर रखे हैं। और ऐसी कई चीजें हैं संसार में जो गलत फायदा उठाने वाले उसको आज तक उसको रखने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है हमको ये हो गया, कोई कहता है हमको वो हो गया, कोई ने कह दिया ये हो गया, कोई ने कह दिया वो हो गया। सारे देवता तुम्हारे शरीर में आ सकते हैं हम मान लेंगे, पर शंकर भगवान तुम्हारे शरीर में आ गया ये हम कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मान सकते। जिंदगी भर नहीं मान सकते कि शिव किसी के शरीर में आ सकता, नहीं, क्योंकि मेरा शंकर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण वरुण अपने लोक में रहते हैं, मेरा शिव पृथ्वी पर रहते हैं। शंकर भगवान अगर पृथ्वी पर रहते हैं तो फिर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको तो पुकारा जाता है वो स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं, शरीर में नहीं आते वो स्वयं आते हैं। देवराज की कथा कहती है, देवराज ब्राह्मण की कथा कहती है, देवराज के जब प्राण छूटे तब शंकर भगवान नंदी लेकर आए, सुनी कि नहीं सुनी कथा, अरे बोलो तो जम के, सुनी ना, शिव नंदी लेकर आए। तो देवराज ने पूछा, अगर कोई भगवान नारायण का भक्त मरता है तो उसके लिए पार्षद आते हैं, बैकुंठ से विमान आता है, कोई भगवान का भक्त मरता है तो उसके लिए पार्षद आते हैं, बैकुंठ से विमान आता है, उसके लिए अप्सराएं आती हैं, उसके लिए ये आता है, उसके लिए बैकुंठ से विमान आता है, पर हे भोलेनाथ तुम्हारा कोई भक्त मरता है तो उसके लिए कोई गण नहीं आता, उसके लिए कोई दूत नहीं आता। शंकर भगवान कहते हैं, जब एक लोटा जल चढ़ाने वाला, मेरे मंदिर में आने वाला, मेरी कथा सुनने वाला जब आखिरी में प्राण त्यागता है, उसको लेने के लिए मैं किसी को नहीं भेजता, अपने नंदी को लेकर आता हूं, नंदी पर बिठा कर ले जाता हूं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या। तीन तीन महिलाएं बात कर रही थी, एक महिला बोली कि मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ हो गया, दूसरी ने कहा तेरे पति से ज्यादा मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, तीसरी बोली तुमसे ज्यादा मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, इतना भूलता मैं तो परेशान हो गई। पहली ने कहा मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया कि कल कथा में गया था चप्पल भूल आया, दूसरी बोली मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया, इधर से मैं भुट्टा खरीद रही थी मक्का, इधर से वो भी भुट्टा खरीद रहे थे, इधर से वो भी खरीद रहे, उधर से वो भी खरीद रहे, मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया, मैं पूछो मती कि वो मेरे पास में खड़े होकर भुट्टा खरीद रहे थे और मैं उसके पास में खड़ी थी और मुझसे पूछ बोलते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है, इतना भुलक्कड़ हो गया। तीसरी बोली मेरे पति की तो पूछो ही मती, मेरी पति की मत पूछो, मैं भी ब्यूटी पार्लर गई थी, मेरी पड़ोसन भी ब्यूटी पार्लर गई थी, मैंने अपने पति को फोन लगाया था कि मुझे लेने के लिए आ जाओ, वो बाहर गाड़ी लेकर खड़े थे,
मैं तो अंदर धागे से ऐसा करवा रही थी, इतने में मेरी पड़ोसन निकल कर गई, उनकी गाड़ी पर बैठ गई, वो उसको ही लेके चले गए। इतने ध्यान, हम सब कुछ मान लेंगे। कोई कहेगा ना कि देवता आए शरीर में, हम मान लेंगे। कोई ना कहा देवी आ गई, हम मान लेंगे। कोई ना कहा ये आ गए, हम मान लेंगे। क्योंकि होता है, कोई कोई हो सकता है आ जाए तो हम मान लेंगे। पर शंकर किसी के शरीर में आ रहा है कि हम कभी नहीं मानेंगे। भूताना भविष्यत है, कभी मानेंगे। और आ भी गए और किसी ने कह दिया उनके शरीर में शंकर जी आ रहे हैं, तो हम कहेंगे हमको जरूर बुलाना, शंकर जी विष पिए थे तो हम भी थोड़ी बहुत लेके आ जाएंगे। प्रयास करेंगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। प्रयास नहीं बाबा, मेरे वो घरदानी शंकर राजा हर्षवर्धन कह रहे हैं अपनी भाषा में, मैं शंकर नहीं बन सकता। राजा हर्षवर्धन कह रहे हैं अपनी कथा में, मैं शिव नहीं बन सकता। उत्तर भारत के राजा कह रहे हैं हर्षवर्धन, में शंकर कभी नहीं बन सकता, शिव नहीं बन सकता, पर शंकर के चरणों के दास का दास का दास का दास बन सकता हूं। हम शिव नहीं बन सकते। मैं दास बन सकता हूं पर शिव ठीक है। ब्राह्मण के रूप रखे भगवान शंकर ने, कहा अगर तुम शिव नहीं बन सकते तो शंकर जैसा तुम दान तो कर सकते हो। रावण को उन्होंने सोने की लंका दी, भस्मासुर को उन्होंने सोने का कंगन दिया, सबको उन्होंने सब कुछ दिया, तुमने क्या दिया? तो इतने में हर्षवर्धन राजा बोले, हाँ इतना जरूर कर सकता हूं कि शिव जैसा दान मैं भी कर सकता हूं, तो चलो मेरे साथ दान करने। अपने राज्य कन्नौज से निकले हर्षवर्धन राजा। भविष्य पुराण की कथा कहती है हर्षवर्धन राजा अपने राज्य से निकले और निकलकर सीधे रथ पर अपना सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना नगर में जितना भी था पीतांबर अंबर सोना चांदी जो जो था सारा की सारा गाड़ियों में भर लिया। राजा हर्षवर्धन प्रयागराज की भूमि में चले गए। राजा हर्षवर्धन प्रयागराज की भूमि में गए और प्रयागराज की भूमि पर जाकर राजा हर्षवर्धन ने दान करना प्रारंभ करा। सब कुछ दान कर दिया जो था राजा हर्षवर्धन के पास, कुछ नहीं बचा, सब दे दिया। पूरे राज्य का राज्य खाली कर दिया राजा हर्षवर्धन ने। ब्राह्मण खड़ा था, उस ब्राह्मण ने कहा, राजन तुमने सब दान कर दिया? हाँ। राजा हर्षवर्धन कहने लगे, मैंने सब दान कर दिया, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है राजन, परंतु शंकर भगवान ने तो अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे, तुम तो तन पर वस्त्र पहने हो, ये तो दान कर दो। राजा हर्षवर्धन ने अपने तन के वस्त्र दान कर दिए, उतार कर नग्न वेशधारी हो गए। राजा हर्षवर्धन नग्न वेशधारी थे, ब्राह्मण के रूप में शिव देख रहे थे। इतनी देर में राजा हर्षवर्धन की बहन जयश्री आ गई। राजा हर्षवर्धन की बहन का नाम था जयश्री। जयश्री आई, जयश्री ने देखा मेरा भाई नग्न, भैया तेरे वस्त्र सब दान कर दिए, राज्य का सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती सब दान कर दिए, कपड़े नहीं नहीं। जयश्री ने उसी समय पर अपने भाई को वस्त्र दिए, ये पहन लिया। राजा हर्षवर्धन की आंख से जल बहने लगा, नैनों से आंसू बहने लगा। ब्राह्मण पास में खड़ा था तो उसने पूछा, राजन तुमने सब दान कर दिया इसलिए रो रहे हो? राजा हर्षवर्धन कहते हैं, नहीं, मैं शंकर जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, मेरे शिव को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था एक भी कपड़ा साथ नहीं लाया था, पैदा होने के बाद भी उसने कपड़े दिए थे और आज फिर नंगा हुआ तो कपड़े उसी ने दिए हैं। आज फिर नग्न हुआ तो कपड़े उसी ने दिए हैं, मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूं। राजन तुम तुम्हारे महादेव को कोस नहीं रहे, तुम तुम्हारे शिव को अपशब्द नहीं कर रहे, ब्राह्मण कह रहा है कि तुम तुम्हारे शंकर को अपशब्द नहीं कर रहे, तुम तुम्हारे शिव को कुछ बोल नहीं रहे। राजा हर्षवर्धन ने कहा, ब्राह्मण देवता
मेरे शंकर को क्या मैं अपशब्द कहूं, उसने ये जीवन दिया है, इतना विश्वास रखता हूं मैं कि मैंने दान किया है ना, तो मेरा महादेव मुझे कभी खाली नहीं रख सकता, ये भी मैं जानता हूं। मेरा शिव खाली नहीं रख सकता, मेरा शिव मुझे खाली नहीं रखेगा कभी भी। बहन जयश्री ने कहा, भाई तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तेरा राज्य माज्य सब चले गया, तेरा धन दौलत संपदा सब चली गई, अब तू मेरे घर चल। जयवर्धन ने कहा, हर्षवर्धन ने कहा, हर्षवर्धन कहते हैं मैं चले तो जाऊंगा, हर्षवर्धन कहते हैं बहन मैं तेरे घर चले जाऊं, मना नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है लेने वालों ने सब कुछ लिया होगा, लेने वालों ने पूरा राज्य लिया होगा, लेने वालों ने पूरी संपदा ली होगी, पर जिस शंकर के मंदिर में मैं पूजन करता था वहां शंकर अकेला बैठा होगा, उसके सोने के पात्र भी ले गए होंगे, उसके बर्तन भी ले गए होंगे, उसकी अंबारियां, उसकी चांदी, उसका हीरा भी ले गए होंगे, पर शंकर अकेला होगा। मुझे मेरे शंकर के लिए मेरे नगर में जाना पड़ेगा, मेरे शिव के लिए। शिव के लिए। कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज तुम बड़े खुश रहते हो, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है? दुनिया के लोग तुम्हें गाली देते, ताना देते, अपशब्द कहते, दुनिया के लोग ना जाने कितना कितना अपशब्द तुमको बोल देते, तो भी तुम हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि जो मंदिर बंद पड़े थे, जिन मंदिरों में जाले लगे थे, जिन मंदिर में ताले लगे थे, आज वो मंदिर खुले पड़े हैं, इसकी प्रसन्नता। आज हमें प्रसन्नता इस बात की होती है कि भगवान ने हमारा मनुष्य का शरीर दिया था, मानव की दे दी थी, यह शरीर दिया था और जिस कार्य के लिए दिया था वो कार्य पूरा हो गया। उसके बाद दुनिया इल्जाम लगाए, ताने दे, गाली दे, अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी आड़ा टेढ़ा कर ले, पर प्रसन्नता मन से इस बात की है कि जिन मंदिरों में ताले लगे थे, जिन मंदिरों में जाले लगे थे, जहां लोग केवल सावन महीने में जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे, शंकर के मंदिरों में स्वान बैठे रहते थे, कुत्ते बैठे रहते थे, वो मंदिर खाली पड़े रहते थे, कोई उस मंदिर में पूजन करने नहीं जाता था, क्योंकि उसमें भेंट नहीं आती थी, उसमें दक्षिणा नहीं आती थी, उसमें दान नहीं आता था, उस मंदिर में कुछ नहीं आता था, क्योंकि मंदिर खाली रहते थे, केवल सावन केवल शिवरात्रि जो मंदिर खाली पड़े रहते थे, सारे मंदिरों में लोग पूजन करने वाले मिलते थे, पर शंकर के मंदिर को कोई लेना नहीं चाहता था, शंकर के मंदिर की कोई सेवा करना नहीं चाहता था। अब उस मंदिर में भक्त का जाना चालू हो गया तो शिव मंदिर के ताले दरवाजे खुल गए, उसकी प्रसन्नता है। उसकी एक प्रसन्नता हमारे जीवन में है, वो मंदिर के ताले खुले, वो मंदिर के गेट। राजा हर्षवर्धन कह रहे हैं, मैं मेरे सत्ता के लिए, वैभव के लिए, धन के लिए नहीं जाऊंगा, मेरे महादेव के लिए जाऊंगा, मेरा महादेव का शिवलिंग वहां पर है। अब ये सोचकर, आप अगर शंकर के लिए सोच रहे हैं, आप अगर शिव के लिए सोच रहे हैं, आप अगर महादेव के लिए सोच रहे हैं, आप अगर भगवान शंकर के लिए विचार कर रहे हैं, आप अगर भगवान शंकर के लिए विचार कर रहे हैं, तो ये निश्चित है ये निश्चित है। कई लोग हमसे कहते रहते हैं, गुरुजी वो यूट्यूब पर उनके इतने चाहने वाले, इंस्टाग्राम पे उनके इतने चाहने वाले, फेसबुक पे उनके इतने चाहने वाले, ट्विटर पर उनके इतने चाहने वाले, और आपका आप चलाते हो, आपके उसमें इतने नहीं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, कभी मौका मिले, मोबाइल पर चाहने वाले जितने भी हों, हम आपसे भी कहेंगे, निवेदन करेंगे, उनसे भी तुमसे भी कहेंगे, वो अपनी जगह पर है कि कौन कितना चाहता, और सबसे ज्यादा चाहने वाले, इंसान से ज्यादा चाहने वाला वो परमात्मा होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, हे शिव, हे शंकर,
भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है बड़ी दूर की नारे गृहस्थी भी पुरानी है मेरे बाबा शिव के प्रति जागृत करिए। हर्षवर्धन ने अपने धन के लिए नहीं शंकर के लिए अपने नगर में गया, बहन कह रही तू मेरे नगर में चल, नहीं मैं शिव के लिए जाऊंगा, शिव के लिए। मैं शंकर के लिए जाऊंगा, मैं किसी के लिए नहीं, मेरे शिव के लिए जाऊंगा और सारी समस्या का हल। बोलबम का नारा है मेरे शंकर के लिए जाऊंगा। आप सबसे निवेदन है शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ ना तो ये सोचकर मत जाना कि मेरा बाबा सुनी नहीं रिया। नहीं, मैं शिव के लिए जाऊंगा, मैं शंकर के लिए जाऊंगा। कैसे नहीं सुनेगा? एक पत्र रुक्मणी तिवारी, पति का नाम राजेश तिवारी, टीकरी पारा गंडई जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, बच्चा लाए हो साथ में? ले आओ, ले आइए। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, शादी के 2-3 साल तक हमने इंतजार करा कि बच्चा होगा, नहीं हुआ। 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल, 9 साल, 10 साल निकलते चले गए, पर संतान का सुख नहीं। फिर क्या करें? किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, टीवी के सामने बैठते आसन लगाकर कथा सुनते, 2-4 कथा सुनी नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं कि टीवी के सामने बैठकर कथा सुनो तो भी संतान का सुख, 4 कथा सुन ली नहीं हुआ, 5 कथा सुनी नहीं हुआ, पर हमने भी कथा नहीं छोड़ी गुरुदेव, कथा सुनते रहे। फिर आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, वो किया और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और 10 वर्ष के बाद 12 जुलाई 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। और ये केवल एक पत्र नहीं है, ऐसे ना जाने कितने पत्र हैं जो संतान का सुख जब डॉक्टर भी मना कर दे, और बैठे होंगे यहां पर बहुत सारे बैठे होंगे, अब किसी और जैसा बोल दें, कईयों को दिए हैं बाबा, कई और कई, किसी के 3 साल, किसी के 2 साल, किसी के 5 साल, किसी के 10 साल, किसी के 8 साल, किसी के 12 साल, किसी के 14 साल बैठे हो क्या ले लेके, कईयों के पत्र हैं। शिव कृपा से, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का, गंगधार मुक्ति द्वार ओम कार तू भोले ओम।
कार्य तू आयो शरण तेरा शंभु तारकारितु। ये कृपा शिव की है। राजा हर्षवर्धन ने केवल शिव को चुना, शंकर को, और अपनी बहन के घर नहीं गए, अपने ही नगर में, राज्य में जो शंकर का मंदिर था वहां गए। हम आपसे भी कहते हैं, रोज कथा में कहते हैं, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले वहां जाकर जल चढ़ाओ, क्योंकि वहां जल चढ़ाओगे तो एक ना एक दिन बाबा तुम्हें सीहोर तक कुबेरेश्वर बाबा बुला ही लेगा। वहां जाओ, जो पड़ोस के ही मंदिर नहीं जाते वो दूसरी जगह मंदिर में कैसे दिल लगा पाएंगे। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम पास के मंदिर में जाते हैं ना तो लोग हमको अपशब्द कहते हैं, भैया आ गए। कई लोग कह देते हैं, ये आ गए सीहोर वाले महाराज की चेली। कोई कहता है, बताओ ये सावन के महीने में ढोंग कर रहे हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। एक एक बात आप लोगों से पूछें, तुम कभी टाकीज देखने गए हो फिल्म? अरे बोलो तो जम के, गए हो टाकीज में फिल्म देखने जाते हो तो कभी कोई टोकता है क्या? बोलो तो जम के, नहीं। मॉल में घूमने जाते हो सामान वामान खरीदने, बाजार में वो कौन कौन से बाजार होते हैं बड़े बड़े, उनमें घूमने जाते हो, सामान लेने जाते हो, कोई टोकता है तुमको? नहीं। कभी तुम पिकनिक मनाने गए, कोई टोकेगा? कहीं पानी पतासे के ठेले पर पानी पूरी खा रहे हो, कोई टोकेगा? चाउमीन खाओगे, कोई टोकेगा? गलत काम करोगे, कोई टोकेगा? कभी नहीं। दुनिया के लोग कभी बेकार जगह पर नहीं टोकते। दुनिया के लोग हमेशा, जब तुम सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ोगे तो दुनिया के लोग तुम्हें पांव पकड़कर खींचेंगे और अपशब्द कहकर पीछे करने का प्रयास। फिल्म देखने पर कोई नहीं टोकेगा, गलत काम करने पर कोई नहीं टोकेगा, पर जहां तुम आगे बढ़े। कई कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम मंदिर जाते हैं ना तो लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं, क्यों चिंता करते हो? कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो ना। वो कौन सा एक लाइन थी, एक गाना गाया है ना किसी ने, वही है नाम वाला जो बदनाम है, ऐसा कुछ है, तेरे अंगने में मेरा क्या काम, ऐसा ही ना। वो है नाम वाला, ऐसा ही है क्या? वो है नाम वाला, वो ही तो बड़े नाम है। अब वही बात है ना, जो दुनिया के लोग कुछ भी कहे। अब देखो एक सहजता है, अगर तुम किसी से स्नेह करते हो ना तो ही तो लोग ताना देंगे। तुम किसी से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, तो ही तो लोग अपशब्द कहेंगे। अरे देख रहे हो तुम्हारे लड़के को, देखो जरा तुम्हारे लड़के को, वो उससे बात कर रहा था, देखो तुम्हारी मोड़ी को, छोरी को, वो उससे बात कर रही थी, मतलब कहीं प्रेम से जुड़े तो लोगों ने फिर कहना चालू करा। ये पक्का है, जिस दिन तुम महादेव से प्रेम से जुड़ोगे ना तो लोग तुम्हें अपशब्द कहना चालू करेंगे, ताना देना चालू करेंगे। प्रेम बस जुड़िए, अरे जो है नाम वाला वही को बदनाम। जो स्मरण करेगा, जो भजन करेगा, जो कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, नाम जाप करेगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा, उसी को लोग बदनाम करेंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? फिर से बोलो, अरे जो है नाम वाला वही को बदनाम।
जो भगवान की विरल भक्ति को धारण करे, जो भजन में लग जाए, जो कीर्तन में लग जाए, जो रोज रोज कथा सुनने जाएंगे तो लोग ताना दे देंगे, ये चल दी पागल हो गई है, बावरी हो गई है, मूर्ख हो गई है, अकल नहीं है, इनकी अकल तो ना जाने कहां चली गई है, लोग कहेंगे। अरे जो है नाम वाला वही तो बजे नाम है। आप भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, स्मरण करो, बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत। आ जाओ भगवान शिव की कथा। जैसे ही राजा हर्षवर्धन अपने नगर में गए, जितना दान करा था मेरे शंकर भगवान ब्राह्मण के रूप में, जो मांगे थे मेरे शिव ब्राह्मण के रूप में आकर वापिस उतना की उतना लौटा दिए, जितना दिया था उतना वापिस मिल गया। बोलो कुबेरेश्वर महादेव की जय। राजा हर्षवर्धन ने जितना प्रयागराज में जाकर दिया उससे हजार गुना ज्यादा मेरे महाकाल बाबा ने राजा हर्षवर्धन को दे। ये शिव तत्व है। श्री शिवाय नमस्ते। औघड़ी है महादेव।